जो 15 नंबर पेज है उसमें डी नंबर क्वेश्चन है, राइट न्यूमरल्स एंड ओवर राइट ऑन नंबर्स नेम, राइट न्यूमरल्स एंड ओवर राइट नंबर नेम, बेटा क्या है? पहले बताओ, ओवर राइटिंग करनी है आपको उस पर, ये क्या है? लाइटली लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? लाइटली है ना, आपको करना है डार्क करना है, इसको डार्क करना है, ओके? क्या करोगे बच्चों आप लोग, इसको डार्क कर दोगे ना, नंबर लिखना है, हाँ डार्क कर देंगे इसको, फिर क्या करेंगे, न्यूमरल्स लिखेंगे इसके, क्या लिखेंगे बेटा, न्यूमरल्स। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब कोई नंबर किसमें लिखी हो बेटा, नंबर लिखी हो जैसे 7, 8, 9, तो क्या है ये, न्यूमरल्स है, क्या है न्यूमरल है ये 89। हाँ बेटा, ये देखो किसमें लिखा है बेटा, ये नंबर्स में लिखा है ना, सेवन में अलग नंबर्स में लिखा है बेटा, क्या है ये न्यूमरल है, फिर अगर बेटा इसी को वर्ड्स में लिख दे, किसमें लिख दे बेटा, वर्ड्स में 700, बेटा हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख दिया, लिख दिया लिखना नहीं बेटा, बता बस सुन लो, बता रहे हैं तो बेटा, नहीं नहीं समझना है, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूमरल, न्यूमरल फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, कैसा रूप है, न्यूमरल रूप है बेटा, न्यूमरल फॉर्म है ये। अब बेटा ये कैसा फॉर्म है, ये नंबर नेम फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, नंबर नेम, ये नंबर नेम है, नंबर का नाम होता है ना, वैसे नंबर नेम है ये, जैसे हम लोग का नाम होता है कि नहीं, नाम होता है हम लोग का, आदित्य नाम है, अंजलि नाम है, पंकी, फजीर, हमारा नाम जानते ही हो, yes, है ना, हाँ वैसे भी ऐसे ही क्या, नंबर्स का भी नेम होता है, नंबर्स का भी नेम होता है, नाम होता है, बुलाया जाता है उनके यहाँ नाम लेकर, तो चले आते हैं लोग, है ना, yes, yes. हाँ चलिए, हाँ सब नाम है, सब जगह नाम है, हिंदी की बुक का नाम ही है ना, पेंसिल का भी नाम है, पेंसिल, हाँ वेरी गुड, हाँ बेटा सही बात, तस्वीर तस्वीर जी सर, बोल नहीं रहे बेटा, आज बोल नहीं रहे हैं आप ज्यादा, आज नाश्ता पानी नहीं किया क्या, आज नाश्ता नहीं किया क्या, अभी तस्वीर क्लास में, हाँ बेटा सर अविका नहीं है क्लास में, अविका नहीं आई है बेटा अभी तो, पहली आई क्लास में भी नहीं, आपकी फ्रेंडशिप हो गई क्या, आप कैसे, यस सर, वेरी गुड, बेटा देखिए क्या लिखा हुआ, देखो वो यानी वन 153 लिखा है बेटो, बच्चों सर 53, हाँ बच्चों 53 है ना बेटा, जब ये किसमें लिखा है बच्चों, ये लिखा गया है किसमें, इसका नंबर लिखना है, हाँ बेटा उसे क्या बोल, बेटा लिखा है नंबर नेम लिखा हुआ है, नंबर नेम लिखा हुआ है, हम इसको न्यूमरल्स में चेंज करेंगे, बेटा किसमें चेंज करेंगे, न्यूमरल्स में, किसमें, न्यूमरल्स बोलिए, न्यूमरल्स बोलिए, न्यूमरल्स में इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 153 क्या होगा,
वन यूज होगा, फाइव फोर यूज होगा और थ्री यूज होगा। वन फाइव थ्री, वन फाइव थ्री देखो फिफ्टी थ्री। हाँ बच्चे नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चों, अंजलि नोट कर लो, अंजलि अंजलि नोट किया, ये लो पंकोड़ी बेटा, अविका तो अविका आ गई, अविका तो आ गई। अविका यस सर, कहाँ रह गए थे इतने देर? सर मैं गई थी समिया माई के यहाँ। हाँ समिया माई के यहाँ मैं गई थी, दादी के साथ मंदिर गई थी मैं। मंदिर गए थे क्या? यस सर। ओ पूजा पाठ करके आई हो, चलिए बेटा नोट कीजिए सर, कल की है। हाँ हाँ ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अंजलि नोट हो गया, अंजलि नोट हुआ बेटा। नेक्स्ट है देखिए क्या नेक्स्ट है, 200 है ना, अभी का पेज नंबर 15 खोल लो बेटा, पेज नंबर 15 का ये वाला करा रहे हैं, पेज नंबर 15। हाँ डी नंबर का देखो, डी नंबर करा रहे हैं। क्या है 218 में क्या हो जाएगा स्पेलिंग? 218 218। नहीं नहीं बेटा नहीं तो दिया है, बेटा पंखुड़ी टू का स्पेलिंग क्या होती है? पंखुड़ी T-W-O, सही तो लिखा है बुक में, 218 कहाँ गलत लिखा बच्चों, T-W-O तो लिखा है उसमें भी, T-W-O-2। हाँ सही है बेटा, ध्यान से देखो अंकुरी सर, मुझे को डब्ल्यू को यू को आर को यू और आर लगा। अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं, इसलिए कह रहे ना पहले उसको फिर चढ़ा लोगे तो नहीं दिक्कत होगी, ठीक है उसको डार कर लेंगे दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या बेटा 400 अंजलि, अंजलि बताइए, अंजलि बेटा बताइए कौन कौन से नंबर यूज होंगे इसमें, पढ़िए इसको बताइए कौन कौन से नंबर यूज होंगे। 400 48 बेटा 448 हो जाएगा है ना बच्चों? यस सर। ओके डन, चलिए फिर अब इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ओके yes. हो जाएगा इजी है, हो जाएगा बच्चों। ये काउंट होते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, ओके सर। देखिए ई नंबर बच्चों लिखा है, रीड एंड राइट नंबर्स फ्रॉम 101 to 200 ओके बच्चों।
यस सर। सर वन हैंड की पूरा टू हैंड तक नंबर लिखना है। हाँ इसमें भी आप लोग करोगे अपने से इसको। एक मिनट बच्चों, यस सर, ये वाला भी एफ वाला भी, ठीक है बच्चों, सब कंप्लीट करोगे दोनों, ठीक है। उसमें क्या करना है, नंबर भरना है 111, 112, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके करना है, वैसे इसको भी फिल करना है। ओके अब आइए हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है बताने लायक। आदित्य, यस सर, हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा ना बेटा, बताइए। यस सर, हो तो देखो बच्चों, आप आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताते हैं आज हम लोग को, क्या बताएंगे? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। हाँ देखो, फेस वैल्यू भी होती है लोगों की और प्लेस वैल्यू भी होती है, ठीक है? यस सर। वैसे भी, वैसे ये क्या करना है हमको, मैथ्स में भी देखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ओके यस सर। हाँ चलिए देखते हैं। देखो जैसे बच्चों, अगर लिखा हुआ है ये, तो बेटा बताओ एट की प्ले, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 358। बेटा अगर हम पूछे फेस वैल्यू, एट की फेस वैल्यू क्या होगी? सर 80। सर प्लेस प्लेस बताइए बच्चों, सर 8 की फेस वैल्यू और फेस की वैल्यू, सर 8 का मान होगा और 5 का नहीं। गलत बता रहे हो, नहीं नहीं होगा सर, 8 का होगा 1 सर 18 प्लेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू हमेशा वही रहता है जो नंबर होता है, 8 का फेस वैल्यू हमेशा 8 ही रहेगा, 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का फेस वैल्यू 3, तो 8 का 5 फेस वैल्यू 8 हो गया। अब प्लेस वैल्यू बेटा इसका क्या है, बेटा कौन सी प्लेस पे है ये? 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 × 1 बेटा क्या हो जाएगा, 1 8। अगर 5 की पूछे तो 5 की देखो, 5 समझ में आया? 8। अब आगे देखो, अगर 5 को कोई पूछे तो 5 की देखिए फेस वैल्यू हमेशा वही जो है, 5 है 5 ही फेस वैल्यू, मगर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे बेटा, 10th प्लेस पे है, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 50 बेटा 18 सर, 15 होगा बेटा अभी का। ओके डन, समझ आ गया आप लोग को? यस सर। ये हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर 8 की पूछे, 3 की पूछे तो 3 को बताइए फेस वैल्यू क्या होगी? सर 3। हां फेस वैल्यू हमेशा वही, फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगी। अंजलि, यस सर, समझ आ रहा बेटा? यस सर, फेस वैल्यू हमेशा बेटा वही रहेगा, जो नंबर रहेगा वही फेस वैल्यू रहेगा। प्लेस वैल्यू देखिए, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सर 3 मल्टीप्लाई 100। हाँ वंस, देखिए यहाँ से वंस टेंस हंड्रेड मल्टीप्लाई 100 से क्या हो जाएगा बच्चों, 300। तो क्या कहेंगे हम लोग, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300 है, 5 की क्या है प्लेस वैल्यू, 50,
एट की प्लेस वैल्यू एट ओके एट ओके बच्चों ओके समझ आ रहा आप लोग को यस सर चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्लास टू के बच्चे बहुत तेज हैं पढ़ने में तुरंत समझ जाते हैं चलिए बेटा देखिए पेज नंबर 17 18 पे पेज नंबर 18 तस्वीर आदित्य बेटा पेज नंबर 18 पे सब लोग आ जाइए पेज नंबर 18 पे ओके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ए है उसका क्वेश्चन नंबर ए है ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर ए है राइट द प्लेस प्लेस वैल्यू प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट देखिए बच्चों है ना हमको क्या करना है पहला देखते हैं पहला वाला क्या क्वेश्चन है पहला वाला है फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 564 यहाँ पे लिखा डिजिट यहाँ पे लिखा डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस प्लेस सर प्लेस वैल्यू सर प्लेस वैल्यू हाँ है ना ये ऐसे लिखा हुआ है अब बेटा पहले वाले में क्या है नंबर 564 है सर 564 है बेटा इसमें कौन कौन से डिजिट है इसमें कौन कौन से डिजिट है साइड 564 पहले 4 आया ना फिर 6 आया फिर 5 आएगा सर इसकी प्लेस क्या है 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 जाएगी 60 इसकी कितनी जाएगी 500 बेटा ऐसे नोट कर लो ऐसे ही नोट कर लो तुम जैसे बताया मैंने कर दी चलिए बेटा इसके बाद वाला बताएंगे आप लोग ठीक है इसके बाद वाला बताइए आप लोग ओके ना बच्चों यस सर चलिए इसके बाद वाला देखते हैं इसके बाद देखते हैं ठीक है yes, sir.
क्या है बच्चों इसके बाद वाला? 786 सर, 186। कौन कौन से डिजिट यूज हुए बच्चों बताइए? 6, 8, 7, 6, 8, 7। हाँ वेरी गुड, 6, 8, 7। सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? प्लेस क्या है? One place, ten place, hundred place, ten place, hundred seven place. Once place बोले बेटा, once place, one नहीं, once place. Once. इसकी tenth place. Hundred place. Sixth place का तो sixth place आएगा. Six one. क्या हो जाएगा? Six हो जाएगा पहला. सेकंड वाला 80. आखिरी वाला क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 700. हाँ नोट कर लो बच्चों, अंजलि नोट कर लो बेटा, जिसको नहीं हो नोट कर लो. ओके नोट कर लीजिए. सर मैसेज पढ़ लीजिए. हाँ क्या बेटा? हाँ बेटा बताइए. बोलिए बच्चों. मैसेज पढ़ लीजिए सर. जो आ रहा है ओके ओके सेवन नहीं पीछे से किया जाता है ना. Seven. Please. Okay, बेटा चलिए आगे. हसबीर आप आराम करो, हसबीर आप आराम करिए. चलो बेटा क्यों सर आगे चले देखते बेटा. हाँ क्यों सर आप हसबीर को आराम करने के लिए कह रहे हैं? बेटा उसको फीवर हुआ है ना. शरीर को फीवर हुआ ना बेटा इसलिए. समझ गए? यस सर. यस सर. हाँ जिसको फीवर है उसको आराम करना चाहिए ना. यस सर. हाँ चलिए बच्चों बताइए नेक्स्ट वाला. 927. कौन कौन से डिजिट यूज हुए है? 7, 7, 7, 2, 9. प्लेस है ना बेटा? वन प्लेस. टेंथ प्लेस. सर टेंथ प्लेस. हंड्रेड प्लेस. शांत आप जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे जिससे पूछेंगे वो बोलेगा. ओके ओके अंजलि. यस सर. बेटा यहाँ पे कितना आएगा? सर प्लीज. हाँ वैल्यू में कहाँ कितना आएगा? पहली प्लेस वैल्यू में
बताइए अंजलि। सर मुझे नहीं आ रहा। बेटा बताना चाहिए ना, देखो बेटा क्या है, 7 900 7 है ना। तो बेटा इसमें डिजिट कौन कौन सी यूज हुई, देखो पहले देखो 7 है, 2 है और 9, हमने वही लिख दिया डिजिट, यही सब डिजिट यूज हुई है इसमें। देखो 7 2 9 ना, वही यूज हुआ। तो बेटा बोला क्या, प्लेस, प्लेस क्या है इसकी, तो 7 देखो किस कहाँ पे है, वंस पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड पे है, 7 वंस प्लेस, टेंस प्लेस और ये हंड्रेड प्लेस है ना बेटा। Yes, बेटा देखो क्या हो जाएगा आगे, प्लेस वैल्यू बेटा, जब 7 के साथ 1 है तो 7 × 1 7, 2 के साथ 10 है तो क्या होगा, 2 × 10 20, बेटा 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 100 900, समझ में आ गया बच्चों सबको। अंजलि आया समझ में? यस सर। अंजलि कॉपी में करना है। हाँ हाँ अंजलि समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ बेटा ध्यान समझो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब बताया नहीं आ रहा हो तो पूछ लिया करो बेटा, घबराया नहीं करो, ओके ठीक है बेटा। आप लोग पढ़ने तो आए हो, पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ओके ओके सर। हाँ सर, आप लोगों ने पोयम वगैरह याद की कि नहीं क्लास सेकंड की? सर मैंने पोयम याद हुआ मेरे सबको, हिंदी की याद कर ली है। यस सर। इंग्लिश की बच्चों, इंग्लिश की सर? इंग्लिश की नहीं याद करी। क्यों बेटा? बाकी हिंदी की तो मुझे याद है। हिंदी की याद है? हिंदी याद करना आसान है क्या? स्टोरी और एक पोयम है और उसमें एक शब्द अर्थ भी है। अच्छा, और आप लोग को बच्चों, आदित्य आपको नहीं याद किए क्या? नो। हाँ डोरेमोन देखते हो खूब ज्यादा, छोटा भीम देखते हो ज्यादातर? आदित्य आयरन मैन टॉय। आयरन मैन देखते हो? सर आयरन मैन टॉय खेलते हो क्या? भूल क्यों बच्चों, उससे खेलते हो क्या? सही है, सर खेलते भी हैं। खेलते भी आगे देखिए, आगे बेटा 7 7 8। अंजलि बताइए अब। अंजलि यस सर, बताइए अब क्या हो, इसमें कौन कौन से डिजिट यूज हुई है? 7 7 8 बेटा, पहले 8 हुआ तो पहले 8 बोलोगे, 8 7 7 पहले 8 आएगा। 10 10 10 पहले जो नंबर पे आया, फिर सेकंड नंबर, जो थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके बताओ क्या प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या है सर? वन वंस प्लेस वैल्यू। अंजलि बताओ बेटा इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस 10 100 सर, प्लेस होगा 10 इसका हो गया, 100 इसका हो गया। मैं नहीं देख, देख लो मेरे को बहुत हंसते हैं, मैं देख रही हूं अभी। क्या हुआ बेटा, कुछ बता रहे हो अंजलि? बेटा बताइए, अंजलि कुछ बता रहे हो क्या? हाँ चलिए बच्चों बताइए, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की? सर 8 की प्लेस वैल्यू, हाँ सर 8 8
ये वाले सेवन आइए वाला सेवन की वेरी गुड बच्चों वेरी गुड सर हाँ जो आप 18 पेज नंबर 18 का पढ़ा रहे हैं ना ये वाला प्लेस क्यों वही हम पूरा कर रहे हैं कर रहे हो यस सर वेरी गुड बेटा करो प्लेस वैल्यू अच्छे से आती है सर मुझे भी हाँ 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 आप लोग को अच्छे जाते हैं आप लोग अच्छे बच्चे हो ना इसलिए हम पहले बता दिया अच्छे बच्चे हो है ना आदित्य yes, आदित्य अंजलि आदित्य अंजलि पंकुड़ी अविका बहुत अच्छे बच्चे हैं हसबीर भी बहुत अच्छा बच्चा है सर वो तो सो रहा है तो क्या हुआ बेटा आज तबीयत नहीं सही ना उसकी सर हाँ जब हम स्कूल में आए थे ना तो वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर था और हम अपने बॉक्स में एक स्मॉल सी पेंसिल लेकर आए थे उसके बॉक्स में दो पिंक कलर की पेंसिल थी और मेरे पास बस छोटी सी ऑरेंज कलर की पेंसिल थी वही मेरी पेंसिल देखकर स्कूल में गाना गाने लगा घटिया पेंसिल घटिया पेंसिल अच्छा ये बात आपको बहुत बुरी लगी इसलिए मैं उसको अपना दोस्त नहीं मानी अच्छा यस सर नहीं कोई बात नहीं बच्चे मजाक कर लेते हैं ठीक है उसका नहीं मानना चाहिए ठीक है 652 बेटा इसमें कौन कौन से डिजिट यूज हुए हैं सर 2 5 6 हाँ वेरी बेटा अंजलि आप भी बताइए बेटा अंजलि बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की प्लेस वैल्यू नहीं बेटा 1 मिनट बताने दीजिए बेटा अंजलि बताइए आप देखिए सामने लिखा हुआ है क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू बेटा 2 की 2 ही हो जाएंगे क्या हो जाएगा 2 5 पे दाइए बेटा अंजलि 5 पे दाइए 5 की रहने दो ना मम्मी नहीं मम्मी कसके मत करो प्लीज बेटा 5 की क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी 50 और 6 की 600 ओके बेटा आप लोग क्या करोगे आज काम पेज नंबर 18 कंप्लीट करोगे बेटा क्या करोगे पेज नंबर 18 तक कंप्लीट कर अभी तो मेरा दो अभी तो मेरा एक ही बचा है ये हां अभी बेटा घर पे कंप्लीट कर लेना उसको होमवर्क में है ये सिल्वर वाला ठीक है ओके बच्चों हेलो सर हां कंप्लीट कर लीजिए पर बताइए सर मैं अभी हो गया ठीक है बच्चों आज के लिए बस इतना ही ओके हेलो सर हाँ बोले बेटा पंकोड़ी सर 12th लेके पूरा मैसेज आया था 12th लेके पूरा 14 तक कॉपी में करना है हाँ बेटा कॉपी में कंप्लीट कर लो ओके कौन सा ठीक है बेटा तीन वाला भी कॉपी में करना है हाँ पूरा सब कुछ ठीक है ओके ओके फिर आज के लिए बाय बाय सबको बाय 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 सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय सर बाय